डियर स्टूडेंट्स, साइकोलॉजिकल स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर एक नए वीडियो के साथ हम आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जैसे जैसे हम वीडियो बनाते जाएंगे आपको नोटिफिकेशन भी उसी के थ्रू मिलती जाएगी। स्टार्ट करते हैं हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ओजाइव, ये पार्ट टू है हमारे लेक्चर का। इसके पहले मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा मैंने बताया था, एक्सप्लेन किया था, उसमें डिफरेंट टाइप्स के कर्व्स आपको बताए थे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एक्सेट्रा। उसमें एक रह गया था आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, CPF या कम्युलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी ग्राफ। इसे ओजाइव या कम्युलेटिव परसेंटेज कर्व कहते हैं, हिंदी में तोरण अथवा संचित प्रतिशत वक्र। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू दे सकते हैं। नीचे दी गई तालिका से तोरण वक्र का निर्माण कीजिए। देखिए टेबल में दिया है, ऐसे ही एग्जाम में पूछा जाता है। क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दी गई है। क्लास इंटरवल आपका इंक्लूसिव सीरीज में है, ध्यान से देखिएगा, 10 to 14, 15 to 19, यानी पहले वर्गांतर की उच्चतम व न्यूनतम सीमा दूसरे वर्गांतर की उच्चतम व न्यूनतम सीमा से डिफरेंट है। तो इसे हम पहले तो टेबल के रूप में सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम कर्व बनाएंगे। सबसे पहले हमने क्या किया कि इंक्लूसिव सीरीज या समावेशी श्रृंखला को हमने प्योर क्लासिफिकेशन सीरीज या PCS ज्ञात किया। यानी फर्स्ट क्लास इंटरवल हमारा क्या है, 10 to 14, तो हमने 10 माइनस 0.5 किया। ठीक इसी तरह से 14 में प्लस 0.5 किया, यानी प्योर क्लासिफिकेशन सीरीज निकालने के लिए हमको वर्गांतर की न्यूनतम सीमा में माइनस 0.5 करना पड़ेगा और वर्गांतर की उच्चतम सीमा में प्लस 0.5 करना पड़ेगा। इसी प्रकार हमने सभी वर्गांतर का प्योर क्लासिफिकेशन सीरीज निकाल लिया। ये देखिए हमारा नेक्स्ट है CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले वीडियो का लिंक दे दिया है, आप लोग देख लीजिएगा कि CF कैसे निकाला जाता है। CF निकालने के लिए हमने क्या किया, नीचे से ऐड किया है। जैसे फ्रीक्वेंसी में फर्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 1, सेकंड 3, थर्ड 4, 8, 5, 3, 1, नीचे से। तो हमने इसको ऐड किया है, 1 plus 3 4, 1 plus 3 plus 4 equal to 8, इसी तरह से हमने CF ज्ञात किया है। नेक्स्ट है CPF कैसे निकालते हैं। CPF के लिए फार्मूला है CPF equal to 100/25 multiply by F। हमारा जो है फार्मूला सभी CF पर फॉलो होगा, CF ही हमारा कैपिटल F है। आप 100/25 कर लीजिए, इसके बाद जितने हमारे CF हैं सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको देखिए 4, 16, 32, 64 etc, ये सारे आपको CPF मिल गए हैं। तो हमारा टेबल इस प्रकार होगा। टेबल में आप देखिए फिफ्थ कॉलम आपको मिल गया। ध्यान दीजिएगा जो हमारा CPF या P या परसेंटेज, वो हमारा 100 आना चाहिए। यदि 100 नहीं आता है, वो पॉइंट में ही, राउंडेड नंबर में ना हो तो पॉइंट में ही हो, लेकिन हो तभी हम परफेक्ट होते हैं या हमारा आंसर करेक्ट होगा, अन्यथा नहीं। अब इसका हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। ओ वाई एक्सिस पर हमने
CPF को रखा है, P अर्थात परसेंटेज या CPF जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, और O Y एक्सिस पर हमने डिपेंडेंट वेरिएबल रखा है, O X एक्सिस पर हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखा है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने क्या किया था, क्लास इंटरवल को कन्वर्ट करके हमने प्योर क्लासिफिकेशन सीरीज कर दिया था, उसको रख दिया है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, वर्गांतर की उच्चतम सीमा पर ही हमें CPF का प्रदर्शन करना चाहिए। आप देख रहे होंगे पहला जो है 14.5, इस पर हमने प्रदर्शित किया है। फिर दूसरा देखिए, इसी तरह से हमने पूरे उसको एक्सप्लेन किया है। तो 14.5 पर हमने क्या दिखाया है, थोड़ा सा बैक जाते हैं आपको तब समझ में आएगा। आप देखिएगा 14.5 पर क्या है, 4 है, 19.5 पर 16 है। तो 14.5 पर ये चूँकि ग्राफ पेपर नहीं है इसलिए आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर 4 का प्रदर्शन किया गया है। फिर नेक्स्ट है 19.5 पर 16 दिखाया गया है। इसी तरह से आप CPF दिखाएंगे, और पहले वर्गांतर की न्यूनतम सीमा का मिलान हमें मात्र सुंदरता के लिए करना है, यहाँ पर इसकी इम्पोर्टेंस नहीं होती, हमें प्रदर्शन उच्चतम सीमा पर ही करना चाहिए। एक बात जो है बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पर ओ एक्स एक्सिस पर 0 से लेकर 9.5 के बीच में जो डिस्टेंस है वो 9.5 का है, जबकि 9.5 से 14.5 के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट है, वो 9.5 का नहीं है, इसीलिए हमें डिसकंटिन्यूड साइन लगाना चाहिए। देखिए आपका यहाँ पर हमने डिसकंटिन्यूड साइन लगा दिया, यानी 9.5 से 14.5 के बीच में 5 का डिस्टेंस है, 14.5 से 19.5 के बीच में 5 का डिस्टेंस है, जबकि 0 से 9.5 के बीच में 5 का डिस्टेंस नहीं है, इसीलिए हमने डिसकंटिन्यूड साइन लगाया। तो ये कर्व हमारा तैयार हो गया। यहाँ देखिए पैमाना भी है, आपने माना ओ एक्स एक्सिस पर 10 खाने हमने माने हैं, तो 10 पर यानी एक क्लास इंटरवल या एक प्योर क्लासिफिकेशन सीरीज, जबकि ओ वाई पर 5 खाने बराबर यानी ग्राफ बनाते हैं या स्केल से मेज़र करते हैं इंच है सेंटीमीटर जो भी, तो 0.5 खाने बराबर 1% या CPF। मुझे लगता है आपको ओजाई पूरा समझ में आ गया होगा। थैंक यू।